नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज की वीडियो में हम पुदुम जी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का प्राइस सेटअप शो कर रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजुअल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उसी स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। अगर आप स्टॉक का सेक्टर देखेंगे पेपर का एंड इंडस्ट्री है पेपर का, जैसे कि स्टॉक का जो मार्केट कैप चल रहा है अराउंड 577 करोड़ का एंड इस कंपनी के पास रिजर्व कैश है 413 करोड़ का। देखिए लास्ट 2-3 ट्रेडिंग डेज से पेपर स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर में पेपर स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आ सकता है एंड जो पुदुम जी पेपर का रिजल्ट आएगा 30 जनवरी को एंड लग रहा है कि जिस टाइप का प्राइस सेटअप शो कर रहा है इसका रिजल्ट भी अच्छा आने वाला होगा। स्टॉक का पी देखेंगे 11 एंड इंडस्ट्री पी है 7। करंट प्राइस चल रहा है 61 के आसपास, बुक वैल्यू है 45 के आसपास। प्रमोटर यहाँ पे होल्डिंग कर रहे हैं 71%, बहुत ही अच्छा साइन है। एबव 50% मार्क आप उसको पॉजिटिवली कंसीडर कर सकते हैं। डेप्ट इक्विटी 0.11 मैनेजेबल है, पॉजिटिव साइन है। किसी भी स्टॉक का डेप्ट इक्विटी बिलो 1 आप उसको पॉजिटिवली कंसीडर कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड 0.82%, इसका मीनिंग है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है जिसकी वजह से कुछ प्रॉफिट इन्वेस्टर के साथ यहां पे शेयर कर रहा है। अगर लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे 22%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 40% एंड लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 31%। तीनों टाइम फ्रेम में स्टॉक का प्राइस यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर किया है, इसका मीनिंग है कि स्टॉक का प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर अभी हम क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए लास्ट 2-3 क्वार्टर से सेल्स यहाँ पे ग्रो कर रहा है, उसके साथ नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो देखिए प्रमोटर यहाँ पे होल्डिंग कर रहे हैं 71%, बहुत ही अच्छा साइन है। FI यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 0.43%, मैनेजेबल है। DI होल्ड कर रहे हैं 0 एंड पब्लिक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 28.24%, जो कि एक रेड फ्लैग है। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन एबव 20% आप उसको रेड फ्लैग कंसिडर कर सकते हैं एंड इस स्टॉक में तो यहाँ पे रिटेल होल्ड कर रहे हैं 28%, जो कि एक रेड फ्लैग है एंड पब्लिक कैटेगरी में कोई भी बिग इन्वेस्टर अभी तक तो इन्वेस्टेड नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्ग इसका देखा जा रहा है उसका चार्ट सेटअप, तो चलते हैं चार्ट के ऊपर देखते हैं किस टाइप का सेटअप शो कर रहा है। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है पुदुम जी पेपर प्रोडक्ट्स का। टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है वीकली। अगर आप स्टॉक का चार्ट सेटअप देखेंगे तो प्राइस के लिए देखिए जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 33-35 के आसपास, जिस लेवल से प्राइस को देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला था एंड फाइनली 2021 एंड में प्राइस देखिए इसका मल्टीपल का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट करने के बाद आज पर तो प्राइस एक्शन, अगर प्राइस कभी भी कोई भी एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर लेता है वही लेवल अभी के लिए एक्ट एज ए सपोर्ट। एग्जैक्टली प्राइस के लिए जो 33 लेवल का रेजिस्टेंस था ना, प्राइस जैसे इसको ब्रेकआउट कर दिया वही लेवल देखिए यहाँ पे सपोर्ट जैसा काम कर रहा था एंड वही 33-34 लेवल को मल्टीपल टाइम टेस्ट करने के बाद एंड यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस के रेंज के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था एंड फाइनली देखिए उसी रेंज को प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है एंड ब्रेकआउट करने के साथ यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट किया है एंड जिस टाइप का अभी प्राइस सेटअप शो कर रहा है आने वाले टाइम में अपसाइड की तरफ और भी मूवमेंट आ सकता है एंड उसका प्रीवियस स्विंग लो जो कि बन रहा है बिलो 43 वो बनेगा एग्जिट पॉइंट एंड एक चार्ट सेटअप फेल हो जाएगा अगर प्राइस यहाँ पे 43 लेवल को ब्रेक कर लेता है तो। उसी हिसाब से आपका क्वांटिटी मैनेज कीजिएगा। अगर मार्केट में कभी भी करेक्शन मिलता है प्राइस पुल बैक करके नियरली 48-50 के आसपास आ जाएगा वो सबसे बेस्ट लेवल रहेगा, नहीं तो 50 से 55 का रेंज एक बेस्ट लेवल हो सकता है इस स्टॉक को अकुमुलेशन करने के लिए एंड जो प्रीवियस स्विंग लो है बिलो 43 इस स्टॉक का चार्ट सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। अगर अभी हम टारगेट मेजर करेंगे तो प्राइस तो लाइफ हाई के ऊपर चल रहा है, कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल अवेलेबल नहीं, तो टारगेट निकालने के लिए अभी यूज करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन को। तो 2018 का हाई 20 का लो के ऊपर फिबोनाची एक्सटेंशन को मैं यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ। मैं जैसे ही प्लॉट करूंगा तो देखिए मल्टीपल टारगेट यहाँ पे आ गया है। अगर शॉर्ट टर्म का टारगेट देखेंगे 2.618 फिबो लेवल 75 एंड लॉन्ग टर्म का टारगेट बनेगा 4.236 का फिबो लेवल जो बन रहा है 116, तो 75
एंड 116 इस दोनों टारगेट को प्राइस टेस्ट कर सकता है, जिस टाइप का अभी प्राइस स्ट्रक्चर में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर हम रेशियो चार्ट देखेंगे, रेशियो चार्ट देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है एक कॉप एंड हैंडल पैटर्न, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट आया नहीं है। जैसे ही यहाँ पे रेशियो चार्ट उसका कॉप एंड हैंडल पैटर्न को ट्रिगर कर देगा, उसके बाद यहाँ पे बिग मूवमेंट आ सकता है। देखिए ए हो गया रेशियो चार्ट का कॉप एंड ए हो गया उसका हैंडल, बस कॉप एंड हैंडल पैटर्न उसका नेकलाइन को अभी तक ब्रेक नहीं किया है। जैसे ही रेशियो चार्ट यहाँ पे जो सी एंड पी पैटर्न बना है इसको ब्रेकआउट कर देगा, उसके बाद यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन हो जाएगा प्राइस स्ट्रक्चर में कि आने वाले कपल ऑफ मंथ का स्टॉक का प्राइस आउट परफॉर्म कर सकता है। तो स्टॉक को आपके रडार में रखिएगा, रेशियो चार्ट को भी अलर्ट रखिएगा। रेशियो चार्ट यहां पे ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट डबल कंफर्मेशन या क्वांटिटी एडिशन हो सकता है। एंड आज उजल हमेशा से क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। मैं आशा करता हूं आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।